गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास फर्स्ट का जीके का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे और पेज नंबर है 19। चैप्टर का नाम है द सीजन। सीजन का मतलब क्या होता है? मौसम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड रीड द क्लूज। आपको क्या करना है? पिक्चर को देखना है और नीचे उसके पास में कुछ लाइनें लिखी गई है, आपको क्या करना है? उनको पढ़ना है। देन राइट द नेम्स ऑफ द सीजन शो। और आपको क्या करना है? उसके नीचे क्या करना है? उनके सीजन का नाम लिखना है, कौन सी सीजन उसमें शो हो रही है, तो उस सीजन का आपको नाम लिखना है, यानी कि उस मौसम का नाम लिखना है। चूज़ योर आंसर फ्रॉम द क्लू बॉक्स। और आपको आंसर कहाँ से चूज करना है? क्लू बॉक्स में से उसका आंसर चूज करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर, हॉट सन, यानी कि सन कैसा होता है, सूरज कैसा होता है? हॉट। हॉट मीन्स बहुत ही गर्म, ठीक है। फिर एक कॉटन क्लोथ, यानी कि कॉटन के कपड़े, हम क्या पहनते हैं? कॉटन के कपड़े। एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और हम जो पेय पदार्थ पीते हैं, यानी कि जो पीने की चीज़ें हम पीते हैं, वो कैसी पीते हैं? वो हम पीते हैं ठंडी ठंडी चीज़ें, ठीक है ना। कोल्ड मीन्स ठंडा, तो हम कैसी चीज़ें पीते हैं? ठंडी चीज़ें पीते हैं। तो बताइए वो मौसम कौन सा होगा, यानी कि जिस मौसम में सूर्य जो होता है वो कैसा होता है? एक आग की गोले की तरह तपता होता है, हॉट होता है, यानी कि बहुत गर्म होता है। उस मौसम में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं। तो देखिए वो मौसम कौन सा होता है, तो वो मौसम होता है समर मीन्स गर्मी का। कौन सा होता है? समर मीन्स गर्मी। तो आपको इस पर नहीं लिखनी है SUMMER, समर। फिर नंबर सेकेंड, कोल्ड वेदर मीन्स ठंडा मौसम। वेदर कैसा होता है, मौसम कैसा होता है? बहुत ही ठंडा होता है। वार्म क्लोथ्स, और हम कपड़े कैसे पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। एंड हॉट ड्रिंक्स, और हम जो चीज़ें पीते हैं वो कैसी पीते हैं? गर्म चीज़ें पीते हैं। तो बताइए मौसम कौन सा होगा, तो आपको पता ही होगा कि कौन से मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, मौसम बहुत ठंडा होता है, और पीने की चीज़ें जैसे कि दूध जूस जो भी पीते हैं वो कैसे पीते हैं? ठंडे नहीं पीते, कैसे पीते हैं? गर्म पीते हैं ना। तो वो मौसम कौन सा होता है, तो वो मौसम कौन सा होता है? वो होता है विंटर। कौन सा होता है? विंटर का मौसम, यानी कि सर्दी का मौसम। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग लिखनी है WINTER, विंटर। फिर नेक्स्ट नंबर थर्ड, रेन पडल्स एंड गम बूट्स, यानी कि वो मौसम जिसमें क्या होता है? बारिश होती है, और हम कैसे शूज़ पहनते हैं? ये गम शूज़, यानी कि जो विंटर यानी बारिश वाले जो शूज़ होते हैं, जिसके अंदर पानी से और कीचड़ से हम बच सकते हैं, वो वाले शूज़ हम पहनते हैं। तो बताइए वो शूज़ हम कब पहनते हैं, और हम कब बारिश हो रही होती है, कौन से मौसम में बारिश होती है? तो देखिए वो मौसम कौन सा होता है, वो होता है मानसून। कौन सा होता है? मानसून। स्पेलिंग होगी MANSOON, तो क्या बनेगा? मानसून, ठीक है। फिर नंबर फोर्थ पे देखो क्या है, ब्राइट सनशाइन, यानी कि सूरज कैसा होता है? बिल्कुल चमकदार और तेज रोशनी वाला होता है, ठीक है, ब्राइट सनशाइन। न्यू लीव्स ऑन ट्रीज, और पेड़ पे कैसे पत्ते आ रहे होते हैं? नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, न्यू लीव्स मीन्स पेड़ पर नई नई पत्तियाँ आ रही होती है। एंड प्रीटी फ्लावर्स, यानी कि सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे होते हैं, तो वो मौसम कौन सा होता है? तो वो मौसम कौन सा होता है, वो होता है स्प्रिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्प्रिंग बोलते हैं, SPRING, स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग क्या होता है? बसंत का मौसम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बसंत बोलते हैं, बसंत का मौसम, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, कूल वेदर, यानी कि मौसम कैसा होता है? बहुत ही कूल मीन्स बहुत ही ठंडा होता है। एंड फॉलिंग लीव्स, और पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? पेड़ के पत्ते गिर रहे होते हैं। फॉलिंग का मतलब क्या होता है? गिरना। जो पेड़ के पत्ते क्या होते हैं? गिर रहे होते हैं। तो देखिए वो मौसम कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है ऑटम। कौन सा होता है? ऑटम। स्पेलिंग होगी AUTUMN, ठीक है। क्या होगी? AUTUMN, क्या बोलते हैं उसको? ऑटम बोलते हैं, मीन्स पतझड़ का मौसम। क्या होता है? पतझड़ का मौसम, ठीक है। अब आपको वापस से देखिए, फर्स्ट से लगाकर नंबर फिफ्थ तक आपको क्या करना है? वापस इसको पढ़ना है, और मौसम के नाम को वापस से आपको पिक्चर को देख के और जो लाइंस दी गई है आपको लाइंस को पढ़ के इनको क्या करना है? आंसर को फील करना है, और साथ में इनको लर्न भी करना है, स्पेलिंग को, कि यानी कि सीजन यानी कि मौसम की जो स्पेलिंग होती है, समर विंटर मानसून स्प्रिंग और ऑटम, इनकी स्पेलिंग को अच्छे से लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।